हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में क्रिस्पी ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत ही अच्छी है, तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो में मेरे बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड रोल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर पहले से रख दी हूँ और इसमें एक बड़ा चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। कोई भी ऑयल में आप इसे बना सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें एक छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दे रही हूँ। ज़ीरा को हल्का सा क्रैक होने देंगे, साथ में इसमें मैं राई के दाने भी डाल दूँगी एक छोटा चम्मच, और इन दोनों को हम 10 सेकेंड तक के लिए फिर क्रैक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, ज़ीरा और राई दोनों क्रैक हो गया है। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून मतलब कि चुटकी भर में डाल देती हूँ हींग, और ये है साबुत सूखा धनिया जिसे मैंने क्रश करके डाली हूँ ताकि इसके 2 टुकड़े हो जाए। और इसे आप लोग ज़रूर डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में 2 हरी मिर्चें हैं जिसे चॉप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी करी पत्ते, 8 से 10 पत्तियाँ हैं जिसे मैंने वॉश करने के बाद में इसमें डाली हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, जो कि जाएगा हमारे टेस्ट के मुताबिक। और इसके बाद हम गैस को कर देंगे बिल्कुल सिम ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सूखा धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ में लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच डालूँगी, और हल्दी पाउडर ये भी हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे। साथ में मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच। इसके साथ में मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर 2 छोटे चम्मच। यहाँ पे अमचूर पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस डाल दीजिए। और अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद में धीमी आँच में मैं इसे 10 से 15 सेकेंड तक के लिए भून लूँगी, और साथ में 2 चम्मच मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाए, और हल्का सा मैं इसे फिर से भून लूँगी। तो 10 से 15 सेकंड तक के लिए इन मसालों को पानी के साथ मैंने भून ली हूँ। जितनी भी रॉ स्मेल थी इसकी जा चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि मसाला हमारा पूरी तरीके से भुना चुका है। और अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के आलू को पहले से उबाल के रखी थी, उसे मैश करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आलू को मैंने 3 से 4 घंटे पहले उबाल के रख दी थी ताकि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद मैं इसे मैश करी हूँ और अब यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, जो आलू है पूरा अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया की पत्ती, जितनी चाहे आप उतनी डाल सकते हैं, और फिर से एक बार मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं जो कि है मूंगफली पीनट्स, वो अभी मेरे पास में नहीं है। अगर आपके पास में हो तो वो आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसे मैंने अलग बाउल में निकाल ली थी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है, और यहाँ पे ब्रेड स्लाइस ली है मैंने, और ये पानी है। पानी में मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दी हूँ। पानी में नमक मैंने इसलिए डाली हूँ क्योंकि हम इसमें अपनी ब्रेड डिप करने वाले हैं तो उसमें हल्का सा सॉल्टीनेस आ जाए, इसलिए मैंने इसमें नमक डाली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पानी में नमक डालना चाहती हैं तो डालिए, वरना ज़रूरी नहीं है। और अब देखिए, ब्रेड को मैंने पानी में डिप करने के बाद में उसे 10 सेकंड तक के लिए मैंने पानी में छोड़ी, उसके बाद निकाल ली, और जितना भी उसमें एक्स्ट्रा पानी था सारा मैंने रिमूव कर ली हूँ। और छोटा सा हम नींबू के साइज़ का आलू का बैटर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से फील करते हुए, प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसके रोल्स बना लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इतने ब्रेड रोल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये सेट हो जाएगा। और अगर आप इसे तुरंत फ्राई करने वाले हैं, और अगर आपकी ब्रेड बिल्कुल ताज़ी है और फ्रेश है, तो इस तरीके से आप इसमें ब्रेड क्रम्स कोट कर लीजिए। ब्रेड क्रम्स कोट करने से ये होगा कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो जितना भी अंदर जो बैटर हमने फील किए हैं वो बाहर निकल के नहीं आएगा। और कई बार जो होता है, ब्रेड फट भी जाती है फ्राई करते समय, तो वो फटेगी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हाई फ्लेम में तेल को गर्म कर ली हूँ, और हाई फ्लेम में ही हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने के लिए, हमें इसे गोल्डन हो जाने तक के लिए फ्राई करना है। और याद रखिए, जैसे ही आप रोल्स तेल में डालेंगे तो कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आप इसमें स्पून बिल्कुल मत लगाइए, और 30 से 40 सेकंड के बाद में हम इसे धीरे धीरे फ्लिप करते जाएंगे और फ्राई भी करते जाएंगे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट लगे हैं और हमारे ब्रेड रोल्स जो है वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग अपने घर में ट्राई करिए
और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। सो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।